आज 28/10/2024, 28 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देही के अभिमान को छोड़ दो। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, हमारे शिव बाबा की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते, क्यों? बाबा कहते हैं, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व कोई भी चाहना, कोई भी डिज़ायर नहीं रख सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। तुम सब जानते हो इन आँखों से हम जो भी कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज़ पहनेंगे तो खिंचेगी, फिर देही अभिमान में फंसे रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व में बादशाही मिलेगी। बाबा कहते हैं, अभी क्या है, शरीर देखते देखते, शरीर के भान में रहते हमें ऐसे सजाना है, इसको ये करना है, शरीर को ऐसे, लेकिन आत्मा को गुणों से भरपूर करना है, ये बच्चे भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर देही के भान में देही को ही सजाते रहोगे तो फंसोगे। देही अभिमानी रहो, माना अपने को आत्मा निश्चय समझ, शिव बाबा को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। इसमें मूंझना नहीं है, इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए भी बुद्धि में याद ना आए। दूसरा, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। पहले तो क्या करना, बाबा ने कहा, इस दुनिया की चीज़ को देखते हुए भी बुद्धि में याद ना आए। अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है। किसी को भी तंग नहीं करना है। बाबा कहते, किसी को भी परेशान नहीं करना है, वरदान है। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, जैसे किसी के पास धन होता है बहुत अधिक, किसी की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, कोई संबंध संपर्क करने की किसी में कला होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो पोजिशन की भी शक्ति है। अब बाबा ने आपको सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया, सभी गुणों से संपन्न कर दिया, सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, इन्हें धारण करो, इन शक्तियों को अपने अंदर संभालो, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, आप भी सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। जैसे हमने कोई सम्मान लिया, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो उस शांति के संस्कार को अपने अंदर संभालो। तो समय पर जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जहाँ पर बहुत ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर शांति की आवश्यकता होगी, तो आप उस शांति की शक्ति से उसको अपने इमर्ज करेंगे, उसको अपने स्वरूप में ले आएंगे, तो माना उसके स्वरूप में सिद्धि, आपको सिद्धि स्थापित हो जाएगी, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। शक्ति की आवश्यकता है तो शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। मन को अपने प्रभु की अमानत, मेरा मन ये प्रभु की अमानत है, इसमें कोई भी गलत ख्यालात नहीं आ सकते, किसी को तंग नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं, मन आपका कैसा बन जाएगा, सदा श्रेष्ठ बन जाएगा, और इसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान स्वस्थ आत्मा हूँ। किसी भी बीमारी पर, किसी भी रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा सम्मान है। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान स्वस्थ आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर
इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा की दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं, मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। आश्चर्य।